प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा बाइबल का अध्याय आपसे शेयर करके और मैं फिर विदा लूंगा। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। भजन संहिता 32 और उसकी 7वीं आयत। साम 32 एंड वर्स नंबर 7। तू मेरे छिपने का स्थान है। लोग जंगलों में छिपते हैं, पहाड़ों पर छिपते हैं, घर के अंदर छिप जाते हैं। कई बार ये समझ में नहीं आता कि हम छिपे कहां, क्योंकि विपत्ति जब आती है ना मित्रों, तो छिपने का मन करता है। आक्रमण जब होता है तो आपका छिपाव ही आपकी रक्षा है। और भजन का लिखने वाला कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। ये दरोगा जी ये कर देंगे और SSP साहब ये कर देंगे और DM साहब ये कर देंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। वक्त ऐसा आएगा जब सब आपका साथ छोड़ देंगे केवल परमेश्वर के। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। आप सोचिए, ये नहीं कहा जा रहा कि हो सकता है आप करें और एक बार हम ट्राई करेंगे। तू करेगा, आपने अभी तक किया है और आगे भी, आज भी आप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये जो प्रेज एंड वर्शिप और ये जो गीत होता है ना मित्रों, हम लोग सैटरडे को आ करके ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि छुटकारे के गीतों से हमें वो घेरना चाहता है। गीत आप जानते हैं कब गाया जाता है? जब खुशी होती है। गमी में गीत नहीं निकलता है मित्रों। जब आपके पास फ्यूचर होता है, जब आपके पास भविष्य होता है, जब आपके पास छिपने का स्थान होता है, जब संकट से आपकी रक्षा होती है, तो गीत गाने का मन करता है। एक नए विषय से मेरा मन उमड़ रहा है, एक नया गीत हम गाना चाहते हैं। तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। कोई अपनी बीमारी से छुटकारे का गीत गा रहा है, कोई अपने कर्ज की मुक्ति से छुटकारे का गीत गा रहा है, कोई अपने परिवार की जो उलझने थी उससे जो छूट गए हैं उसका गीत गा रहा है। मतलब एक एक जन से मैं गवाही ले लूंगा, हर एक के पास छुटकारे का एक गीत होगा। हर एक कहेगा जी मैं एक गीत गाना चाहती हूं, मैं एक गीत गाना चाहता हूं। आपकी राग हो ना हो, आपको म्यूजिक हो ना हो, ये गीत किसी इसका लिखा हुआ उसका लिखा हुआ नहीं, ये गीत मेरे मन का लिखा हुआ है। ये उमंड रहा है मेरे हृदय से, क्योंकि उसने मुझे छुटकारा दिया है और अब मैं छुटकारे के गीतों से भरा हुआ हूं। उसने घेर लिया है, इतना छुटकारा दिया है। जिस सकेती में मैं पड़ा था, जिस संकट में मैं पड़ा था, जो मुसीबतें और बीमारियां मुझ पर आई थी, जो चिंताएं मुझ पर थी, जो शैतान ने मुझको दबा रखा था, जो दुष्ट आत्माओं के वश में मैं थी, उससे आपने मुझको उबारा है, मुझको छुटकारा दिया है और अब मैं गीत गाना चाहता हूं। कहे का छुटकारे का गीत मैं गाना चाहता हूं। ईस्टर का गीत नहीं है ये गुड फ्राइडे का गीत नहीं है, ये क्रिसमस का गीत नहीं। आज हम लोग क्रिसमस का गीत गाए, अब हम लोग बड़े दिन का गीत गाएंगे। मेरे पास साल भर एक गीत है और जानते कहे का छुटकारे का गीत है। उसने मुझे उस पाप के बंधन से छुड़ाया है, मुझे इस संसार की शक्तियों से, मुझे इस संसार की दुष्ट की शक्तियों से उसने छुड़ाया है, ऊंचे स्थान पर बैठाया है, रक्षा दी है, संकट में वो अति सहज से मिलने वाला है। मेरा हृदय एक नए गीत से उमड़ रहा है, एक नया विषय मैं गाना चाहता हूं। प्रभु ने हर दिन मेरे साथ बड़े बड़े उपकार किए हैं और इसलिए मेरे पास छुटकारे का गीत एक नहीं, जितना आप कहेंगे मैं उतने छुटकारे का गीत आपको सुना दूंगा, क्योंकि उसने मुझे इतना स्वतंत्र किया है, इतना छुटकारा दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से, चारों ओर से। आप जहां बैठे हैं ना, अपने चारों ओर देखिएगा, एक एक जन के पास एक एक गीत है और जानते कहे का उनके पास शायद बड़े दिन का हो चाहे ना हो, ईस्टर का हो चाहे ना हो, किसी ओकेजन का हो ना हो, उनके पास छुटकारे का गीत है। प्रभु ने अपना लहू बहा करके हमें छुड़ाया है। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। हमारा आप उद्धार करता है और आपने उद्धार दे करके हमें छुड़ा लिया है, हमें छुटकारा दिया है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा, चर्च मत छोड़िएगा, दशवांश देना मत छोड़िएगा, वचन सुनना मत छोड़िएगा, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। जिंदगी के ये कुछ एक पहलू है मित्रों जो आपको
अनंत जीवन में विश्राम दिलाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।